हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमने जो डेली बेसिस पर 10 MCQ की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और PDF के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड करके हमारे साथ प्रिपरेशन अवेल कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज क्वेश्चंस, टुडेज इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर हरियाणा PCSJ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है क्या कंटेन करता है। कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट अ कंप्लीट कोड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डज नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ऑल ऑफ द अबव, व्हाट विल बी द करेक्ट। तो भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक बेसिक प्रिंसिपल्स को कंटेन करता है या ये कंप्लीट कोड नहीं है या डज नॉट कवर्स द ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से क्या करेक्ट है, तो इट डज नॉट करेक्ट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे जो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एनुमरेटेड नहीं है। अब प्रपोजल, एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बनता है, प्रॉमिस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए एंड बी, ए एग्रीज विद द बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ₹500। तो 500 रुपये की कंसिडरेशन पर वो के जादू निकालने का, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है या अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। एक्स ने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक्स लीव्स अ फर्म डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस इन दिल्ली, ही एग्रीज विद द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म नॉट टू स्टार्ट अ सिमिलर। एक्स ने एक फर्म को छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे पार्टनर्स के साथ जो है एक एग्रीमेंट बनाया कि 2 साल तक वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर फर्म के बारे में बात कर रहा है, तो द एग्रीमेंट इज वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, या ये जो एग्रीमेंट होगा यह इनवैलिड होगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ही एग्रीज विद द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म नॉट टू कैरी स्टार्ट अ सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ अ फर्म इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। दिल्ली में 2 साल तक मैं सिमिलर प्रकार का जो है बिजनेस नहीं करूँगा, इस प्रकार की उसने जो है एक एग्रीमेंट बाकी पार्टनर्स के साथ जो है कर ली है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ए प्रोमिसेस टू पे ₹100 इफ द रेन्स ऑन मंडे। तो कहीं ना कहीं क्या बात आ गई, कंटिजेंसी की, क्या बात आ गई, कंटिजेंसी की। ऑन मंडे एंड बी प्रोमिसेस ए टू पे ₹100 इफ इट डज नॉट पे इन मंडे। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इट। तो ये क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट या वेजरिंग एग्रीमेंट। तो भैया शर्त है, शर्त के लिए कौन सा एग्रीमेंट होगा, वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है शर्त है। इज कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, क्या एजेंसी के लिए जो है कंसिडरेशन अनिवार्य है। तो भैया एजेंसी के लिए कोई भी कंसिडरेशन अनिवार्य नहीं है, 9 पर मार्क कर लीजिएगा। अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है, एक्सप्रेस या एम्प्लाइड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ये प्रोविजन है सेक्शन 18, 19, 20, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहीं पर याद रखिएगा, उसकी अथॉरिटी जो है वो बोथ ए एंड बी, एक्सप्रेस भी होगी और इम्प्लाइड भी होगी। एक्सप्रेस मतलब जो देखते ही समझ में आ जाए और इम्प्लाइड मतलब जो चीज़ों को पढ़कर आपके समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस आर पुनेटिव इन नेचर, पुनेटिव नेचर के कौन से डैमेजेज होते हैं, एग्रीवेटेड डैमेज, एग्जेम्पलेटरी डैमेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एग्जेम्पलेटरी। हु अपॉइंट कैन अपॉइंट एन एजेंट, इनमें से कौन एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, अ मेजर ऑफ साउंड माइंड, अ माइनर ऑफ साउंड माइंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी अ मेजर ऑफ साउंड माइंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक साउंड माइंड का बंदा जो है वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा।
द ऑफर मे बी कम्युनिकेटेड. ऑफर को आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो? ऑरली, जैसे मैंने आपको बोला, आपने सुन लिया, कंडक्ट के माध्यम से, रिटर्न लिखकर, या ऑल ऑफ द अबव. तो इन तीनों ही माध्यम से जो है आप ऑफर को कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव. मार्क कर लीजिएगा फॉर योर एग्जाम. और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. और अगर भारद्वाज लॉ अकेडमी की ये टेस्ट सीरीज आपको अवेल करनी है तो आप मुझे 8377032873 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टोटल इसमें 80 टेस्ट हैं, ये आप याद रखिएगा, टोटल 80 टेस्ट हैं. आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करा दिया जाएगा इसमें. जो आपके 57 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं एंड विद इन नेक्स्ट 4 डेज कंप्लीट 80 टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन योर ऐप. तो इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, जितने चाहो उतने दे सकते हो. और ये टेस्ट सीरीज जो है PDF में भी है, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप सेव कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखिए.